नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या भारत सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करना चाहती है या खत्म करने जा रही है। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के साथ में अगर आप देखेंगे तो इस पेज पर आपको भाप से चलने वाले रेलवे इंजन के पहिए दिख रहे होंगे। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कि कभी सर रेल कोयले बेस एनर्जी पर चलती थी, फिर बाद में डीजल बेस इंजन चलने लगे, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलते हैं, हो सकता है भविष्य में हाइड्रोजन इंजन से रेलवे चलेंगी, यानी रेलवे इंजन हाइड्रोजन इंजन से चलेगा। सो चेंज इज इनवाइटेबल, बट समटाइम पीपल से बढ़िया जी ओल्ड इज गोल्ड, और शायद ओल्ड टैक्स रजीम के संदर्भ में ओल्ड इज गोल्ड का ये जो संदर्भ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के थ्रू जो बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि भारत सरकार ओल्ड रजीम को धीरे धीरे हटाए, खत्म करे, इससे पहले मेरी ये विनती है कि भारत सरकार कुछ बिंदुओं पर विचार जरूर करे या अपने विचार जनता तक जरूर पहुंचाए। तो वो विषय क्या है, वो बिंदु क्या है, इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष यही पॉइंट्स लेकर के आया। दोस्तों, मैंने बोला कि ऐसे कौन से विषय हैं जिन्हें भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए इससे पहले कि वो फाइनली ऐसा कोई निर्णय ले कि हाँ, हम ओल्ड स्कीम को पूरी तरीके से हटा देंगे। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में थी दोस्तों, वो क्या कि हमारा जो प्रेजेंट ओल्ड रिजीम है वो सेक्शन 80C के रूप में लोगों को प्रेरित करता है कि वो 1.5 लाख रुपए बचाएं, चाहे LIC के थ्रू, PPF के थ्रू, सुकन्या समृद्धि के थ्रू या NPS के थ्रू। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने बहुत जोर दिया है कि आप 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन हमसे लीजिए, NPS में बचाइए, ताकि आपकी एक रिटायरमेंट प्लानिंग की आप तैयारी कर सके। कहीं ना कहीं ये भी जरूर देखा होगा सर आपने कि जो आज का यूथ है वो बचत करने में कम इंटरेस्टेड रहता है, खर्च करने में ज्यादा उनका नेचर रहता है। इसमें कोई गलत नहीं है सर, हर एज का एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपना काम करने का तरीका है। लेकिन मैं भी कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स माना जाऊं कि अगर आप कुछ टैक्स सेविंग की कैरेट देते हैं तो इस बहाने लोगों से कुछ बचत हो जाती है, और ये बचत उनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसे ओल्ड स्कीम प्रमोट किया करती थी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओल्ड स्कीम खत्म हो गई या पूर्णतः खत्म हो जाएगी, वो नजरिया भारत सरकार का है। पर भारत सरकार जब ओल्ड स्कीम को लगातार डिसहार्टन कर रही है, जैसे बजट 2023 में ओल्ड स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्लेम करने वाले एसएससीज को कोई रिलीफ नहीं दी गई, जो भी रिलीफ दी है वो पूर्णतः न्यू टैक्स रिजीम में दी है। तो ये एक तरीके से इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार ओल्ड स्कीम से पल्ला झाड़ रही है। सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है सर, मैं मान गया कि सरकार मुझे कहती है भाटिया जी अब तो आप न्यू टैक्स रिजीम की तैयारी करिए क्योंकि हम आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में रखेंगे, ठीक है सर। लेकिन मान लीजिए मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जिसको कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का एज ऑन डेट कोई बेनिफिट नहीं उपलब्ध है कि वो रिटायरमेंट होगा या रिटायरमेंट की एज पर आएगा 60 ईयर्स की एज पर, तो उन्हें क्या पेंशन मिलेगी जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और मुझे अब बचत के लिए भी कोई विशेष इंसेंटिव मिलता नहीं टैक्स सेविंग में ओल्ड स्कीम, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे हटा दी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में सर सरकार को यह भी बात एड्रेस करनी चाहिए कि किस प्रकार वो अपनी जनता की भविष्य की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को, रिटायरमेंट प्लानिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने वाली। कंप्लीट फिनिश और कंटिन्यूस, ये बहुत बड़ा प्रश्न जनता जनार्दन के सामने आ चुका है कि क्या ओल्ड स्कीम खत्म हो जाएगी या ऑप्शन में रख करके उसको चालू रखेंगे। अभी के लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन ये उत्तर मेरे पास नहीं है सर, भारत सरकार के पास तो जरूर है। तो भारत सरकार को जनता तक ये बात कम्युनिकेट करनी चाहिए कि हम एक फेज्ड मैनर में खत्म ही कर देंगे अगले 5 साल में, 10 साल में। तो जनता को एक क्लैरिटी मिलना चाहिए और जनता इसकी हकदार है। डिस्क्रिमिनेशन विद सीनियर सिटीजन, देखिए सर, हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत ना हो, परंतु मुझसे इस बार बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ने पूछा, वरिष्ठ नागरिकों ने पूछा कि अनूप जी हमें 2.5 लाख की जगह 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, और अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, तो जब आप हमें न्यू स्लैब में रखते हैं तो न्यू स्लैब में तो कोई सीनियर सिटीजन को स्पेशल बेनिफिट नहीं। इवन सर ATTBT का जो 50,000 का डिडक्शन मिलता है FD और SB इंटरेस्ट के लिए सीनियर सिटीजन को, उसकी भी कोई जगह न्यू टैक्स रिजीम में नहीं।
तो सीनियर सिटीजन के साथ में भी जो अब तक एक डिस्क्रिमिनेशन रहता था, वो डिस्क्रिमिनेशन इस स्कीम के थ्रू कहीं ना कहीं भारत सरकार खत्म करने जा रही है। आगे बात करता हूं सर, मेडिकल कवर। आज की डेट में भारत सरकार आप स्वयं के लिए या अपने परिवारजनों के लिए, जिसमें विशेष रूप से सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, अगर मेडिकल कवर लेते हैं या मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, तो उसके लिए डिडक्शन की व्यवस्था है। परंतु न्यू स्लैब सिस्टम मेडिकल कवर के लिए कोई विशेष अलग से प्रावधान, अलग से व्यवस्था नहीं करता। स्पेशल डिजीजेस एंड डिसेबिलिटीज, दोस्तों ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशेष बीमारियों की परिस्थिति में या डिसेबिलिटी की परिस्थिति में सेक्शन 80DD, 80DB, 80U इस प्रकार के डिडक्शन की व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजीम में रही है, जिसका जेन्युइन केसेस में लोगों ने बेनिफिट उठाया है अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने में, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और दे आर टेकिंग केयर ऑफ सम पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ विद अ डिसेबिलिटी। So, what if it is wrong that these kind of benefits are totally to be disallowed to these kind of persons who are really eligible to claim a tax benefit? मुझे लगता है सर, भारत सरकार को इस विषय पर भी सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशल डिजीज या डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो क्यों ना उनको टैक्स इंसेंटिव के फॉर्मेट में कुछ ओल्ड रिजीम में जो बेनिफिट थे, अगर भारत सरकार उन, मैं माफी चाहूंगा सर, यहां पर मेरे मोबाइल का रिंग बजा, तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि भारत सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि किस प्रकार इन पर्संस को भी कोई टैक्स एडवांटेज न्यू रिजीम में मिले, क्यों ना इस विषय पर चर्चा की जाए। पब्लिक ओपिनियन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में आई दोस्तों, वो क्या थी कि ठीक है, सरकार किसकी, हमारी, यानी हमने बनाई। हो सकता है कोई कहे कि भटिया जी आप बहुत अकड़ रहे हो कि आपने बनाई, क्या नहीं, नहीं सर मैंने नहीं बनाई, आपने बनाई, आप भी तो पब्लिक एट लार्ज हैं, आपने मिल और मैंने मिल करके चुन करके सरकार बनाई, तो ये सरकार तो हमारी सरकार है, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर सरकार हमेशा जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा। तो सर जब जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है, तो सरकार जनता से ओपिनियन तो ले कि हाँ साहब हम अब पुरानी रिजीम को हटाना चाहते हैं, जनता जनार्दन नई रिजीम को लाना चाहते हैं, आप बताएं नई रिजीम कैसी हो। तो हो सकता है जनता के इनपुट्स लेकर के जब नई रिजीम बनाई जाए वो ज्यादा सक्सेसफुल हो, बनस्पत कोई ऐसी नई रिजीम जो सीधे जनता जनार्दन पे थोप दी जाए। एट द एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कि इस वीडियो के थ्रू जो मैं विचार रख रहा हूं, वो विचार निश्चित रूप से भारत सरकार तक पहुंचे, रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, संसद में इस विषय पर चर्चा हो कि क्यों ओल्ड रजीम को इस प्रकार डिस्क्रिमिनेट करके खत्म करने की ओर ले जाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सर खत्म हो गई है, खत्म की जा सकती है, ये मेरा मानना लग रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने कहा अब बाय डिफॉल्ट आप न्यू रजीम में होंगे, ओल्ड रजीम में आना है तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, जबकि पिछले साल तक वित्त वर्ष 22-23 जो अभी खत्म होने वाला है उस तक आप बाय डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम में थे, न्यू रिजीम में अगर आपको ऑप्शन था, बेनिफिट मिलता है, तो आप वहां चले जाइए। ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम की लड़ाई दोस्तों जनता जनार्दन को कंफ्यूज कर रही है। मैं यहां पर यह निवेदन करूंगा कि भारत सरकार, जो मेरा अंतिम सजेशन था, पब्लिक ओपिनियन का सहारा लेकर के एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए और उससे आगे चले, ताकि जनता को एक, जिसे कहते हैं स्वीकार्यता, स्वीकार्यता के साथ ये न्यू रिजीम लागू की जाए। सो आई होप मेरे विचारों से आप हो सकता है सहमत हो, असहमत हो, आप कमेंट फॉर्मेट में मुझे लिख सकते हैं, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप मुझे गाली भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।